दोस्तों ये वीडियो तो आपने पिछले कुछ दिनों में एक न एक बार जरूर देखा होगा। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? करवंडोड़ में। इस वीडियो में ये शख्स लाशों के ढेर से भरे हुए एक कमरे में अपने बेटे की लाश ढूंढ रहा है जो कि उड़ीसा में होने वाले ट्रेन हादसे में मारा गया। कई मिनट या शायद घंटों ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना बच्चा लाशों के ढेर में नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने भरे गले और बड़ी मासूमियत से कहा कि उनका बेटा नहीं मिल रहा है। खुशकिस्मती से इन्हें इनके बेटे की लाश बाद में मिल गई थी, जिसका पूरे विधि विधान से इन्होंने अंतिम संस्कार भी करवा दिया था। लेकिन ये पिता उन सैकड़ों परिजनों में से एक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेन की उन बोगियों के पलटने के बाद खो दी। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी माँ खोई, तो किसी का पूरा वंश ही मिट्टी में मिल गया। ऑफिशियल डेटा में तो 288 लोग मरे हैं, लेकिन जिंदगी इससे भी कई ज्यादा लोगों की खत्म हो गई है। और इसका दोषी कौन था ये कोई नहीं जानता। आखिर 2 जून की रात ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ? क्या इसे टाला जा सकता था? और अब जब ये घटनाक्रम हो चुका है तो इस पूरे मामले में आखिर गलती है किसकी? प्रशासन की, रेल मंत्री की, या किसी षड्यंत्र के रचयिता की? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। गैस कटर से बोगियों को काट काट कर शव निकाले जा रहे थे। कि होता कवच तो ना होता इतना बड़ा हादसा। सरकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, कोई दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी घटना बहानगा बाजार स्टेशन के एग्जैक्टली इसी पॉइंट की है जिसकी रेफरेंस ड्राइंग इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन शॉर्ट ट्रेन क्रैश इसी जगह पर हुआ था जिस जगह का ये 2D मॉडल है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला ट्रैक चेन्नई की ओर जाता है जबकि राइट साइड वाला ट्रैक हावड़ा की ओर, और इन दोनों ही ट्रैक्स को सपोर्ट करने के लिए लूप लाइंस इंस्टॉल की गई है। नाउ बेसिकली जिन छोटी छोटी पटरियों को आप इन मेन रेलवे लाइंस के साइड में देख रहे हैं उन्हें लूप लाइन कहा जाता है और काफी चीजों में इनका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कभी किसी ट्रेन के पहले या जल्दी निकलने का सिग्नल हो तो दूसरी ट्रेन साइड में मौजूद इस लूप लाइन पे टर्न लेकर वहां वेट करने लगती है या उसी के रास्ते चली जाती है ताकि सामने से आने वाली ट्रेन पहले गुजर जाए और फिर बाद में ये लूप लाइन के थ्रू घूम के उसी ट्रैक को फॉलो कर सके। अब कई बार सिग्नल ना मिलने पर भी ट्रेनें लूप लाइन के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि सिग्नल ना मिलने का मतलब ट्रैक के उस हिस्से में कोई खराबी या किसी और ट्रेन के आवागमन की संभावना भी रहती है, जिस वजह से एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ड्राइवर लूप लाइन में हाल्ट या टर्न ले लेता है। अब उस रात हावड़ा से आने वाली ट्रेन नंबर 12841 यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस को भी लूप लाइन में नहीं जाना था बल्कि सीधे ट्रैक पर ही चलते रहना था। अब रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेन उस वक्त 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चल रही थी क्योंकि उसको आगे आसपास कहीं पर भी हाल्ट का सिग्नल नहीं दिया जाना था। अब एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस इस टर्निंग पॉइंट के पास आई वैसे ही अचानक ग्रीन सिग्नल बंद हो गया, जिस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राइवर ने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए लूप लाइन से ट्रैवल करना ठीक समझा। लेकिन यहां दिक्कत क्या हुई कि उस लूप लाइन पर कई क्विंटल आयरन ओर से लदी हुई एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी, वो भी बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पर। अब इस बात से अनजान कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने जब ट्रेन को लूप लाइन में घुसेड़ा तो कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से सीधे टकरा गई, और चूंकि आयरन ओर वाली मालगाड़ी इतनी ज्यादा भारी थी कि उसने टकराव के सारे इंपैक्ट को खुद तो एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए उसे तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस पर इसका इतना भयानक असर पड़ा कि जहां आगे के 2 डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए तो वहीं ट्रेन के बाकी ऑलमोस्ट सारे डिब्बे पलट गए और पलट कर तीसरे ट्रैक पर चले गए। नाउ अनफॉर्चुनेटली इस क्रैश के कुछ ही समय बाद उस तीसरे ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस भी आ गई जिसे हाल्ट सिग्नल पहुंचाने का टाइम ही नहीं मिल पाया और इसी जानकारी के अभाव में 126 किलोमीटर प्रति घंटे से आने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस भी डीरेल हो चुके डिब्बों में से किसी एक से टकरा गई और उसका भी एक्सीडेंट हो गया। एटलीस्ट अभी के हिसाब से हमारे पास जितनी भी डिटेल्स है उसके अनुसार तो एक कन्फर्म सिनेरियो यही दिया जा रहा है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था और मेन कंट्रोल रूम से ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया था जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में जाने का इशारा दिया गया हो, जिसका मतलब ये क्रैश सिस्टम का फेलियर होने की बजाय एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। क्योंकि अपनी रिपोर्ट बताते हुए ऑपरेशंस एंड बीडी मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा ने यही स्टेटमेंट दिया था कि किसी ने सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस किया है, जिससे ये साफ पता लगता है कि ये सिर्फ कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे या तो गलती से या फिर जानबूझकर किसी ने इतनी परफेक्टली अंजाम दिया।
मगर दोस्तों ट्रेन क्रैश होने के इस पूरे मामले को सरकार का फेलियर बताया जा रहा है और इसे पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। अब देखो कुछ लोग तो आगे आकर ये भी कहने लग रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के करप्शन का नतीजा है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद से ही ट्रेन क्रैशेज होने शुरू हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां देखी जा रही है। अब देखो चूक हुई है और बहुत बड़ी चूक हुई है, ये मैं मानता हूं, और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई मंत्री ही क्यों ना हो। फांसी के चांसेस तो रेयर है, लेकिन एटलीस्ट उम्र कैद तो इस पूरे कांड के पीछे का दोषी डिजर्व करता ही है। मगर क्या वाकई हमारी करंट गवर्नमेंट के आने के बाद से रेलवे में सिक्योरिटी कम हुई है और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ने लगी है? वेल, इसका जवाब हम नहीं देंगे बल्कि साल दर साल के आंकड़े देंगे, जिन्हें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जरा साल 2000 से साल 2015-2016 तक के टोटल ट्रेन एक्सीडेंट को देखिए। जहां साल 2000 में पूरे 473 ट्रेन एक्सीडेंट्स के मामले देखे गए थे, वहीं 2015-2016 में सिर्फ 160 ट्रेन एक्सीडेंट्स के मामले ही सामने आए थे। अब ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2017-18 से 2021-22 तक तो पूरे 4 सालों में इन टोटल 22 लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट एंड 182 डीरेलमेंट इंसिडेंट सामने आए थे, और जिसमें साल 2021-22 में सिर्फ और सिर्फ 34 रेलवे रिलेटेड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए थे। अब देखो अगर कोई रेलवे को क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये उसका अधिकार बनता है, अगर वो टैक्स दे रहा है तो वो बोलेगा ही, लेकिन अगर कोई ये कहकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने सिक्योरिटी के प्रति कुछ नहीं किया है और समय के साथ साथ इंडियन रेलवे की सर्विस गिरती जा रही है, तो उसके मुंह पर ये डेटा फेंक के मारो और कभी वंदे भारत में बैठकर देखो, तुम्हें अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा कि रेलवे कुछ काम कर भी रही है या नहीं कर रही। रेलवे स्टेशन्स में सफाई पहले के मुकाबले बढ़ी है, ये मैंने खुद बहुत जगह ऑब्जर्व किया है, और कई लोगों से पूछने के बाद उनका भी यही रिस्पांस था। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे खाने की क्वालिटी में गिरावट आई है, करोड़ों रुपए खर्चने के बावजूद ट्रेन आज भी लेट आती है और बहुत से लोगों का भारी नुकसान होता है। अब ट्रेन के अंदर आज भी कभी कभी मेल फंक्शन होते ही रहते हैं, ये भी एक कड़ी सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रेलवे सिस्टम को इसीलिए बर्बाद कह दो क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। रेलवे बदल रही है और इस चेंज को हम सब विटनेस कर सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ उसके लिए हमें सब्र करना होगा बल्कि अपनी तरफ से कोऑपरेट भी करना होगा, क्योंकि आज रेलवे लाखों यात्रियों और हजारों ट्रेन्स को हर रोज हैंडल करती है और विश्व के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क को अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को सर्विस देते हुए डेवलप करना मजाक की बात नहीं है। अब एक एलिगेशन ये भी लगाया जाता है कि अगर कवच नाम का ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम रेलवे ट्रैक और ट्रेन्स में इंस्टॉल्ड होता तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कवच एक ऐसा ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम था जिसे रेलवे ने 2012 में डेवलप करना शुरू किया था, और इस सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद पूरा इकोसिस्टम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर किसी ट्रेन से कोई रेड सिग्नल मिस हो जाता है तो ये सिस्टम अपने आप उस सिग्नल को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर लेता है, जिससे ट्रेन उसी जगह पर रुक जाती, क्योंकि रेड सिग्नल मिलने का कोई तो कारण होगा ही। अब चूंकि ये पूरा सिस्टम रेलवे लाइन से भी कनेक्टेड रहता, इसीलिए ये हर वक्त ये भी एनालाइज करता रहता कि जिस ट्रैक में कोई ट्रेन चल रही है कहीं उसके सामने से कोई दूसरी ट्रेन तो नहीं आ रही। अब अगर इसे ऐसी कोई गतिविधि दिखती है जिससे इसे लगता है कि दो ट्रेन एक दूसरे की दिशा में अप्रोच कर रही है, तो ये अपने आप दोनों ही ट्रेन को पहले सिग्नल भेज देता और फिर जैसे ही उन दोनों के बीच में ज्यादा दूरी नहीं बचती, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन ब्रेक अप्लाई करके उन्हें रोक देता और इस तरह से एक्सीडेंट अवॉइड हो जाते। अब ये सिस्टम बेसिकली सिग्नल्स और ट्रेन के मूवमेंट्स को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली किसी ट्रेन पर ब्रेक लगाने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। लेकिन मेन बात ये है कि अगर ये कवच सिस्टम कोरोमंडल एक्सप्रेस और रेलवे ट्रैक्स पर इंस्टॉल होता भी तो भी इस एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता था, और ऐसा मेरा नहीं बल्कि सिन्हा जी का ही कहना है। भाई देखो, कॉमन सेंस की बात है, ये एक्सीडेंट हुआ ही इसीलिए क्योंकि ड्राइवर को सिग्नल गलत मिला था, और अगर सिग्नल गलत मिलता तो कवच भी उसको आइडेंटिफाई ना कर पाता, जिस वजह से तब भी वही होता जो अभी हुआ है। बस फर्क इतना है कि तब गलती किसी और रीजन से थोपी जाती। हालांकि बेसलेस एलिगेशंस के बीच ये कहना भी सही नहीं है कि इस पूरे एक्सीडेंट के पीछे रेल मंत्रालय की लापरवाही और गलती नहीं है, क्योंकि फरवरी 2023 में एक सीनियर ऑफिसर ने रेल मिनिस्ट्री को लेटर लिखते हुए एग्जैक्टली उसी जगह के सिग्नलिंग डिफेक्ट के बारे में बताया था जहां पर यह हादसा हुआ है, और यह भी बताया था कि एक एक्सप्रेस ट्रेन बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होते होते बची है। लेकिन भारत सिर्फ ऐसे ही कामचोर लोगों की वजह से तो बर्बाद है। कोई हादसा नहीं हुआ तो रेलवे ने सिग्नल की उस समस्या को 4 महीने तक देखा भी नहीं, और अगर
इन 288 लोगों की जान ना जाती तो इसे देखा भी नहीं जाता, क्योंकि हमेशा से हर प्रशासन ने इसी नियम को फॉलो किया है। अब सरकार चाहे कितनी ही क्यों ना बदल जाए, अगर पहले ही इस फॉल्ट को सीरियसली ले लिया गया होता ना तो आज 288 लोगों की जान नहीं जाती। इसीलिए रेल मंत्रालय को बेकसूर कहने से बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती। पर देखो, दोष भी वैलिड रीजंस पर ही देनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो रेलवे ट्रैक पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है और अब ट्रेन्स ने वहां से गुजरना शुरू भी कर दिया है। मगर इस हादसे की वजह से बहुत से लोग रेल मिनिस्ट्री अश्विन वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल देते हुए कि 1956 के रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी रेल मिनिस्ट्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आपके हिसाब से जहां इंडियन रेलवेज में इतने सारे सुधार देखे जा रहे हैं, वहां इस एक मेजर गलती के बाद अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर यह एक बहुत बड़ी नाकामी है हमारे रेल मंत्रालय की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक ले बाय। जय हिंद।